दोस्तों शाहरुख खान की अगली फिल्मों का सभी काफी समय से वेट कर रहे हैं शाहरुख खान आखिरी बार फिल्म टंकी में, में नजर आए थे और उसी के बाद से इंतजार चला आ रहा है क्या आखिर शाहरुख खान की अगली फिल्म हमें कौन सी देखने को मिलेगी जहां दोस्तों अभी हाल ही में खबर निकलकर सामने आई कि अगली बार शाहरुख खान हमें फिल्म किंग में नजर आएंगे तो वही उसके बाद पठान टू सिनेमाघरों में दस्तक देगी ऐसे में दोस्तों एक और फिल्म का नाम सबसे ज्यादा तेजी से चल रहा है वो है पैंथर पैंथर का दोस्तों डायरेक्शन करेंगे साउथ के ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर लोकेश कनगराज और बताया जा रहा है कि इस फिल्म में हमें शाहरुख खान का एक मिस्टीरियस कैरेक्टर देखने को मिलेगा जी हाँ दोस्तों शाहरुख खान का अब तक का सबसे अलग अवतार हमें फिल्म फिल्म पैंथर में में देखने को मिल सकता है इस फिल्म में हमें जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलेगा साथ ही साथ शाहरुख खान की लाजवाब एक्टिंग हमें फिल्म पैंथर में देखने को मिलेगी कहा जा रहा है की जल्द ही कुछ ही महीनों में हमें लोकेश कनक की तरफ से इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकता है इसके अलावा दोस्तों फिल्म में हमें साउथ की ही एक्ट्रेस देखने को मिलने वाली है जहाँ पे दोस्तों नयन तारा के नाम की एक बार फिर से काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही है दोस्तों और नयन तारा की जोड़ी हम फिल्म जवान में देख चुके हैं और जवान फिल्म में इन दोनों की जोड़ी को ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था ऐसे में दोस्तों नयन तारा का नाम एक बार फिर से निकल कर सामने आ रहा है दोस्तों आपका इस पर क्या है कहना साथ ही दोस्तों आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से इटली कुमार ने शाहरुख खान के साथ जवान बनाकर बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाया था क्या उसी तरीके से लोकेश कनगराज शाहरुख खान के साथ एक नई फिल्म बनाकर बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स बना पाएंगे या नहीं हमें कमेंट करके बताएं साथ ही आप भी शाहरुख खान के फैन है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें